मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 के समापन पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विज्ञान भारती द्वारा हिंदी में विज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान शुरू किया। यह सम्मेलन इस दिशा में चौथा राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उन्होंने आयोजन की सफलता के लिए सभी को बधाई दी। डॉक्टर यादव ने बताया कि वर्तमान में यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, लेकिन भविष्य में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि यदि विद्वान अपने शोध और तकनीकी शब्दावली को हिंदी में प्रस्तुत करें तो यह देश भर में लोकप्रियता प्राप्त करेगा और विज्ञान के प्रति लोगों की जिज्ञासा और आत्मीयता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि विज्ञान भारती उन लोगों को प्रोत्साहित करे जो अनूठे आविष्कार लाते हैं, भले ही वे पढ़े लिखे हों या नहीं। वर्तमान में इनके बारे में एक जो चीज हम करना चाहेंगे कि इनके द्वारा संपादित मध्य प्रदेश के 200 से अधिक कथाकार और केंद्रित कथा कोष कथा मध्य प्रदेश को राष्ट्रव्यापी ख्याति मिली। इसी क्रम में विश्व रंग के अवसर पर उन्होंने देश भर के 600 से अधिक कथाकारों के कथा संचयन कथा देश को 18 खंडों में संपादित किया। थोड़ा सा स्व का भाव जगाने के लिए एक अंदर की आग चाहिए और हमारा जो अंदर का भाव है उस भाव को केंद्रित करने के लिए ये देश का दुर्भाग्य भी है और बदलते दौर का एक चुनौतीपूर्ण लेकिन आनंद का विषय भी है। देश के अंदर हम अपनी इस गुलामी की अवस्था के लंबे काल से निकल कर गए हैं। गुलामी ने हमारे बहुत सारे अंदर के गुणों को ऊपर कहने का असर डाल करके हमको अपने को पहचानने के लिए भी कष्ट खड़ा कर दिया और उसी में आरो और आने लगे, कोई परेशानी आने लगी। कई बार मजाक दूसरा कोई नहीं बनाता, हम में से ही बनाते, हम में से ही एहसास कराते जो नहीं हो सकता। छोटे छोटे कई उदाहरण है, दुनिया के 200 से ज्यादा देश और अंग्रेजी जानने वाले देशों की अगर सीमा देखो तो हमको मालूम है, लेकिन ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि कोई बात नहीं, विपिताई विसार दे आगे की सुन ले, समय चला गया लेकिन आज बदलते दौर में स्थापित हो रहे हैं। हमारे अपने प्रदेश के अंदर भी जब मैं शिक्षा मंत्री था तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बैठक में सभी वाइस चांसलर के साथ बैठ करके सोचा कि हमारी ये जो डिग्री है, मेडिकल की डिग्री हो, इंजीनियरिंग की डिग्री हो, ये हिंदी में क्यों नहीं होना चाहिए, इनका पाठ्यक्रम हिंदी में क्यों नहीं होना। और ये मुझे अच्छा भी लगा कि उस समय के कभी जिनको कुलपति कहा जाता था वो सब ग्रंथ अकादमी में आते थे, अब जिनको हमने कुलगुरु कहा, कुलगुरु का आनंद कितना आता, कितना जमीन आसमान का अंतर है, उस मानसिकता का ही फर्क है ना कुलगुरु और कुलपति में जो कहते हैं। मैं जब शिक्षा मंत्री था इंदौर के यूनिवर्सिटी के कैंपस में गया, प्रोफेसर रेणु जैन अभी भी माननीय कुलगुरु है, मैं उनसे मिला, संयोग से उनके पति मिले और उन्होंने कहा कि आपका मेरा परिचय, तो मैंने बताई सब क्या है, मैं आपके कुलपति का पति हूं, अब आप बताओ मेरी क्या हालत होगी। उन्होंने कोई अहंकार में नहीं बोला लेकिन वो यथार्थ भी था, लेकिन भाषा का क्या बोला गया उसका असर कैसा होता। विज्ञान भारती के द्वारा आज राष्ट्रभाषा हिंदी और विज्ञान सम्मेलन अर्थात विज्ञान में हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी तकनीकी रूप से जो स्वभाषा को बढ़ावा देने का एक बड़ा अभियान चालू हुआ और ये चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए बधाई और उम्मीद करता हूं कि अब ये राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। हमने तो कहा कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी होना चाहिए, क्योंकि स्वभाषा को जानने वाले विद्वान अगर अपना रिसर्च को
हिंदी में करते हैं, उसके तकनीकी शब्द का हिंदी में अनुवाद करते हैं, तो सहज रूप से पूरे देश में वो सहज लोकप्रिय होता है और लोगों की जिज्ञासाएं विज्ञान के प्रति बढ़ेगी और उनका अपना आत्मीयता बढ़ेगी। मैं ऐसी सभी रिसर्च को प्रोत्साहन देने के लिए हमने कहा कि जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं वो भी अगर अपने कोई अनूठे आविष्कार लेकर आते हैं तो विज्ञान भारती से मैंने आह्वान किया है कि वो इसका प्रबंधन करें। हर साल अपनी प्रतिभा के बलबूते पर जो भी होनहार लोग हैं